वापस एक बार मेरे पास है ये सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा, लेकिन आज हम लोग इसका रिव्यू नहीं करने वाले, आज हम लोग इस पे करने वाले सर्जरी। सो दिक्कत ये गाइस, मैंने तो नया फोन ले लिया, लेकिन ये पुराना वाला मेरा नोट 20 अल्ट्रा, ये भी एकदम मस्त फोन यार, सही सा फोन है, इसमें ये भी आ जाता है भाई, लेकिन दिक्कत ये हो गई कभी तो इसको डैमेज हो गया था, यहाँ पे देखो क्रैक पड़ गया है बैक पैनल पे। फ्रंट एकदम सही से, फ्रंट पे कोई भी क्रैक नहीं है। ये देखो आपको दिखाता हूँ सबसे बकवास चीज जो हुई है, ऐसे निकल जाता है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये निकल रहा है पूरा का पूरा निकल रहा है। ये एक वाटर रेजिस्टेंट फोन है और ये निकल रहा है, इसका मतलब इस पर थोड़ा पानी जाएगा, इश्यू आ जाएगा, और ये यूज करते समय भी सही नहीं लगता निकलते हुए, इसलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। उसके लिए अपने को चाहिए काफी सारे टूल्स, काफी नहीं थोड़े चाहिए, लेकिन मंगवाए काफी सारे, जैसे ये अजीब अजीब से हथियार, भाई पता नहीं इनके काम क्या है, वो मुझे देखना पड़ेगा बाद में। आई होप कि फोन जिंदा बचेगा इस सर्जरी के बाद। देन अपने पास ये एक हीट गन, सो ये देखो गाइस एक गन है हीट करने वाली, तो इससे यार चीजें हीट होती है, जैसे कि इस बैक पैनल को हीट करके हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं, जो ग्लू होता है वो निकल जाएगा जल्दी। एंड लास्टली अपने पास है गाइस रिप्लेसमेंट बैक कवर, भाई आराम से ठीक है, सेम टू सेम दिख रहा है क्या वो मैं चेकआउट कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली बोलूँ तो बिल्कुल भी मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो देखिए यार डिफरेंस है क्या। एक और मंगवाया था मैंने, ओके ये वाले में भाई ये वाला पार्ट लगाया नहीं इन लोगों ने, लाइक आया तो है साथ में लेकिन लगाया नहीं है, अच्छा हुआ मैंने दो दो मंगवा लिए, तो ये वाला हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे अब। और एक चीज जो लगेगी अपने को वो है गाइस, अभी हम लोग बन चुके एक सस्ते डॉक्टर, बट मुझे नहीं लगता ये ऐसे वाले चीज से मैं काम कर पाऊंगा, भाई निकालो इसको गाइस। तो अभी हम लोग पहले हीट गन इस पे इस्तेमाल करते हैं, जो वाले साइड पे, अब ये एक ओपनिंग टूल है, इससे निकालते चीजें, भाई ये वाला जल्दी निकल रहा है, लेकिन किसी का नया वाला फोन होगा ना वो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी, भाई ये तो तुरंत निकल लिया, ये देख भाई फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ मैं, ठीक है तो ये देखो गाइस ये निकल चुका है। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा मैं समझाता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अपना पुराना वाला बैक पैनल है ओके, और ये है नया वाला बैक पैनल, तो पुराने वाले पे देख सकते हो आप काफ़ी सारी अलग अलग सी चीज़ें हैं जो कि नए वाले पे नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे एक लेंस है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ तो लगा है यहाँ पे नहीं है वो, एंड ये वाला ये माइक्रोफोन है, एक अपना पीछे वाला माइक्रोफोन है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे लगाना है सब चीज़ें, ये सबसे मुश्किल चीज है यहाँ से वहां लेके जाना, बाकी सब काफी इजी है। पहले ये गाइस अपने को एक एक्सटर्नल माइक है ये निकाल लेना है, ओ भाई यही निकल लिया सीधा अपना, ठीक है तो ये चीजें अपने को निकलवानी है, इस पर भी थोड़ी सी हीट गन मारी जाए भाई, अब निकल रहा है देखो गाइस, ये अभी यहाँ पर लगाता हूँ मैं, ट्रांसफर कर रहा हूँ ठीक है, ये लग गया उसी वाली पोजिशन पे। एक्चुअली ये छोटी मोटी चीज़ें भी निकलवानी, जैसे कि ये देखो ये, एंड यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। अबे भाई ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है, आपको लग रहा है उतना इजी नहीं है, एक तो फ़ोन भी इतना सस्ता वाला नहीं है भाई। कैसा अभी ये हीट वाली चीज़ है ये भी निकलवानी पड़ेगी, ठीक है ये फ़ोन तो एकदम सही से काम करेगा, बट आई डोंट नो गाइस कि कितना हम लोग सही से इसको निकलवा रहे हैं, अभी काफ़ी सारे हथियार यूज करने पड़ रहे हैं अपने को। मैं क्या करता हूँ इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है गाइस काफ़ी मुश्किल हो गई एक चीज़, ठीक है ये जो एडहेसिव है ये इसको नहीं चिपकना चाहिए, ये ब्लू वाली फिल्म को, ये एक्चुअली चिपकना चाहिए था नीचे भाई, लगता है ये सर्जरी अभी से फेल हो गई अपनी। गाइस मुझे याद ना रहा ये कैसे था इसका ओरिएंटेशन, फोटो निकाल, फोटो दे फोटो दे फोटो दे, ये लग गया अपना, अबे भाई आराम से भाई का लग गई वाट, ये लग गया वाट अपना, ये लग गया अपना एक्सटर्नल माइक, थोड़ा बहुत गलत लग रहा है सर गाइस काफी गंदा दिख रहा है दिखने में, ठीक है हम लोग थोड़ी सी इसकी साफ सफाई कर लेते हैं, स्टिल अंदर से लेंस भी साफ कर लेते हैं, बाद में पता चला भाई कि लेंस में कुछ रह गया अपने से। गाइस मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसको सही से अभी अलाइन करना एकदम परफेक्टली, ठीक है इसको दबा के रखना पड़ता है गाइस थोड़े टाइम के लिए।
गाइस इसको चालू करके देखते हैं अब, मोमेंट ऑफ ट्रुथ एटलीस्ट चालू हो रहा है, इसका मतलब बैटरी वगैरह को हम लोग चालू हो रहा है, मतलब बैटरी वगैरह सब कुछ सही है एटलीस्ट। चलो कैमरा तो क्लीन दिख रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ गाइस, ओके फ्लैश वगैरह सही से काम कर रहा है इसका भाई, एटलीस्ट इतनी चीजें तो सही है अपनी। गाइस एक ही दिक्कत ये पूरे इसमें कि ये देखो इसमें कैसे काला काला और ये साइड में भाई ब्रॉन्ज है, थोड़ा सा चाइना लग जाएगा इस चीज से। सैमसंग का स्पेलिंग चेक करने बोल रहा है बंदा, तो स्पेलिंग सही है एटलीस्ट। गाइस इसका कैमरा वगैरह देख सकते हो एकदम सही से अभी दिख रहा है, टेलीफोटो भी ट्राई करते, ओह मस्त मस्त, अल्ट्रा वाइड भी सब कुछ, सारे लेंस मतलब सही से अलाइन हो चुके हैं। अभी इसका माइक चेक करता हूं मैं, कुछ बोल बोल। ए नुबड़े सही चल रहा है, माइक भी सही चल रहा है, मतलब यार फोन एटलीस्ट सही से काम करेगा। अभी ऑनेस्टली बोलता हूं मैं, मुझे कोई आइडिया नहीं गाइस कि कितना क्या बोलते हैं ये वाटर प्रूफ हो सकता है, क्योंकि मैंने भाई मतलब लगाया तो सही है, शायद से किसी को अगर प्राइमरी यूज करना का मतलब मम्मी पापा या किसी को, तो हम लोग एक बार सर्विस सेंटर से चेक करवा लेंगे इसको, वरना आई गेस घर पे रहेगा तो तब तक ऐसे यूज करूंगा मैं इसको। गाइस तो इसका हम लोगों ने बैक पैनल रिप्लेस कर लिया है कैसे वैसे करके, एकदम परफेक्ट मतलब 100% अच्छा जॉब तो मैंने किया नहीं है, लेकिन 75% अच्छा किया ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया भाई, ये थोड़ा सा बस थोड़े से गैप्स वगैरह यहाँ वहाँ रह चुके हैं, बट पहले वाले से तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पहले वाला सीधा ऐसा यूज़ करता था ना मैं भाई, ऐसा ऐसा निकलता था सीधा भाई, इससे तो अच्छी चीज़ है ये, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको सर्विस सेंटर से भी ठीक करवा लेंगे, या फिर मैं कुछ और नया वाला बैक पैनल ले लूंगा। तो आपको कैसे लगा ये सर्च डे वाला वीडियो यार, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थोड़ा सा यूनिक सा कंसेप्ट है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे रिपेयर करना वगैरह आता है, मेरी आदत है यार हमेशा की कुछ भी घर में चीज़ें होगी वो खुद से रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। ये वाला भी बैक पैनल रिप्लेसमेंट काफ़ी ईजी लगा था, इसलिए हम लोगों ने किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक देना मत भूलिए, बाय।